हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी टेक्नीशियन और जेई कैंडिडेट के लिए एक ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ है उनके स्टेटस ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आरआरबी रांची के द्वारा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते आरआरबी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ। और यहाँ पे आज की तारीख में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29/7/2021 को ये दो अपडेट जारी की है। एक जो है एलपी और टेक्नीशियन के स्टेटस ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन की है, और दूसरी जो है सी नंबर 03/2018 जेई कैंडिडेट के री मेडिकल एग्जामिनेशन के स्टेटस की रिपोर्ट है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पहले एलपी और टेक्नीशियन का देखेंगे, उसके बाद जेई कैंडिडेट का देखेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ जो डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुकी है, स्टेटस ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीए नंबर 01/2018 SER। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर, जो इनिशियल रिपोर्ट था इनका वो, और PCMD और SCR कि जो जांच होने के बाद इनका क्या रिपोर्ट आया वो यहाँ पे पता है रिमार्क के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले कैंडिडेट हैं ये अनफिट थे A1 और B1 के अंदर फिट थे, लेकिन जो फाइनल इनको रिमार्क मिला है वो अनफिट बताए गए दोनों A1 और B1 के अंदर। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट आप देख सकते हो वो भी अनफिट थे A1 के अंदर और B1 के अंदर फिट थे, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट है वो इनिशियल जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको गुड स्टैंडर्ड माना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है 4 नंबर वाले कैंडिडेट अंकित कुमार, ये जो है पहले अनफिट थे A1 और B1 के अंदर, और फाइनली अब जो ये फिट हो चुके हैं A1 और B1 दोनों के अंदर, तो इनको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं ये भी पहले A1 के अंदर जो अनफिट थे और B1 के अंदर फिट थे, लेकिन अभी दोनों के अंदर A1 और B1 दोनों में फिट हो चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो 7 नंबर वाले कैंडिडेट है ये भी फिट हो चुके हैं A1 और B1 के अंदर, दोनों के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे है ये ECR वाले जो है इस सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेट हैं सीए नंबर 01/2018 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंडिडेट A1 के अंदर अनफिट था और B1 के अंदर फिट था, तो इनका जो है जो रिपोर्ट वो आगे रिफ़र कर दिया है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर और PGI चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे कैंडिडेट है उनकी भी रिपोर्ट जो है वो आगे रिफ़र कर दिए एम्स न्यू दिल्ली और PGI जो चंडीगढ़ है वहाँ पे। उसके बाद ये जो कैंडिडेट है जो A1 के अंदर अनफिट थे B1 के अंदर फिट थे, तो ये जो है B1 के अंदर फिट पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 8 और 4 12 कैंडिडेट का जो है एलपी और टेक्नीशियन के अंदर ये स्टेटस ऑफ प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का जारी किया है। अब चलते जेई वाले कैंडिडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टेटस है री मेडिकल एग्जामिनेशन का ये जेई कैंडिडेट का है, और जेई कैंडिडेट के अंदर 3 कैंडिडेट का जो है स्टेटस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले कैंडिडेट है वो अनफिट थे A3 एंड B1 के अंदर, तो अभी ये जो है फिट हो चुके हैं। इसके बाद जो है दूसरे कैंडिडेट वो A3 एंड B1 के अंदर अनफिट बताए गए थे, लेकिन अभी B1 के अंदर ये फिट हो चुके हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और कैंडिडेट है जो अनफिट थे A3 एंड B1 के अंदर ड्यू टू डिफेक्ट इन CV, अब ये जो है अनफिट हो चुके हैं A3 और B1 के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी एक अपडेट एलपी जेई और टेक्नीशियन कैंडिडेट के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।